अस्सलाम वालेकुम, जुनेद अली गोंदल हेयर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नर्सिंग की जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई कि इट इज अ लैटिन वर्ड डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच मीनिंग इज टू नरिश। यानी नर्सिंग जो है एक लातिनी लफ्ज से लिया गया है, वो लफ्ज है नर्ट्रिक्स और उसका मीनिंग जो है वो है नरिश करना। अब नर्सिंग की डेफिनेशन पे आते हैं कि नर्सिंग क्या है। इट इज अ प्रोफेशन, इट इज अ प्रैक्टिस, और ये किसको दी जाती है? प्रोवाइडिंग केयर फॉर द सिक एंड इन्फॉर्म। यानी बीमार को और जरूरतमंद को जो है जो केयर देने वाला पर्सन होता है वो नर्स कहलाता है, और उस प्रोफेशन को नाम दिया जाता है नर्सिंग। इसी तरह एक और डेफिनेशन आ रही है, वो ये है कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। इंटीग्रल का मतलब जरूरी, अहम, वाइटल। हेल्थ केयर सिस्टम का जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, कंपल्सरी पार्ट है, जो क्या करता है? प्रमोट हेल्थ। यानी सबसे पहले हेल्थ को प्रमोट करेगा, प्रिवेंट डिजीज, डिजीज से बचाएगा, एंड केयर ऑफ द फिजिकली इल, और बचाता है बीमारियों से, मेंटली इल यानी जहनी बीमारियों से, एंड डिसेबल पीपल ऑफ ऑल एजेस इन द हेल्थ केयर एंड अदर कम्युनिटी सेंटर। अब ये क्या है? नर्सिंग बहुत इंटीग्रल या वाइटल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का, और ये करता क्या है? प्रमोट करता है हेल्थ को, प्रिवेंट करता है डिजीज से, इलनेस से, और फिजिकली जो है, मेंटली जो है, इलनेस से प्रिवेंट करता है, और इंसान को किसी भी एज में डिसेबल से बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो हम यही कह सकते हैं कि नर्सिंग इज अ प्रोफेशन बाय विच अ पर्सन हु इज अ नर्स गिव केयर टू द क्लाइंट्स हु इज सिक एंड इंजर्ड। और क्यों केयर दिया जाता है? टू प्रमोट हेल्थ, to prevent from disease and illness, and to prevent from the disability. तो ये हमारे पास जो है एक नर्सिंग की डेफिनेशन आ गई। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, कम्युनिटी और हेल्थ की डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेता हूँ। कम्युनिटी क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर इन अ सेम प्लेस और हैविंग अ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ऐसा ग्रुप जो इकट्ठा रहता है और सेम पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, यानी खास कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, यानी तमाम उनका उठना बैठना, खाना पीना, लिबास, गुफ्तगू, जुबान, रस्म, रिवाज, ये तमाम चीजें क्या होती हैं? कॉमन होती हैं। उन कॉमन चीजों रखने वालों की ग्रुप को जो इकट्ठे रहते हैं कम्युनिटी कहते हैं। या इसको मैं मजीद दूसरी डेफिनेशन में कहूंगा, द कंडीशन ऑफ शेयरिंग और हैविंग सर्टेन एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट इन कॉमन। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है एक खास इंटरेस्ट रखते हुए, एक खास शेयरिंग रखते हुए जो है कम्युनिटी के अंदर जो कि कॉमन होगी वो क्या कहलाएगी? कम्युनिटी कहलाएगी। अब हम आगे चलते हैं हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ की अगर बात करें तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 के अंदर एक जो है डेफिनेशन प्रेजेंट की थी। उस डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि हेल्थ क्या है? यानी अ स्टेट, यानी ऐसी हालत है हेल्थ जिसमें क्या होता है, अ पर्सन इज कंप्लीट फिजिकली, यानी एक इंसान जो है मुकम्मल जिस्मानी तौर पर, मेंटली, जहनी तौर पर, सोशल वेलबींग और मुआशरती तौर पर क्या होता है? वेलबींग होता है। वेलबींग का मतलब है ठीक होता है। तो मैं ये कहूंगा कि WHO कहता है कि हेल्थ एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली, और इसके अंदर अगर ऐड करूं तो स्पिरिचुअली जो है वेलबींग होगा, और उसके अंदर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ डिजीज, उसके अंदर बीमारी की जो है कोई भी मौजूदगी नहीं होगी, और इन्फॉर्मिटी, और उसके अंदर कोई अपाहजपन, कोई जो है माजूरी नहीं होगी,
उस सिचुएशन को, उस स्टेट को नाम दिया गया हेल्थ। तो सिंपल डेफिनेशन, स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, देयर इज नो एनी प्रेजेंस ऑफ डिजीज एंड इनफॉर्मिटी इज नोन एज हेल्थ। उसके बाद नर्स या नर्सिंग, ये क्या है? एक लातीनी लफ्ज है। लफ्ज क्या है? नेट्रिक्स। और इसके मीनिंग क्या है? नरिश करना। नरिश का मतलब होता है पलना फूलना, नशोनुमा पाना। तो नर्सिंग क्या है? एक प्रोफेशन है जिसके अंदर क्या है? केयर प्रोवाइड की जाती है। अब केयर किसे प्रोवाइड की जाती है? ऑब्वियसली उसे प्रोवाइड की जाएगी जो कि सिक है, जो कि वूंडेड है, जो जख्मी है, बीमार है, डिजीज के साथ है, उसी को केयर प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसा प्रोफेशन जिसमें हम केयर प्रोवाइड करें किसको? सिक को और इंजर्ड को, वो प्रोफेशन क्या कहलाता है? नर्सिंग कहलाता है। या इसको हम दूसरी डेफिनेशन में यूं कह सकते हैं, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल, कंपल्सरी पार्ट है किसका? हेल्थ केयर सिस्टम का। और ये करता क्या है? ये पार्ट करता क्या है? प्रमोट करता है किस चीज को? हेल्थ को। प्रिवेंट करता है इलनेस को, यानी बीमारी से बचाता है। एंड केयर करता है, और किस चीज की केयर करता है? फिजिकली इल होने से, मेंटली इल होने से, और डिसेबल होने से जो है ये क्या करता है? बचाता है। तो ये जो है, मतलब जो डिजीज, सॉरी हेल्थ की जो डेफिनेशन है, उस हेल्थ की डेफिनेशन को जो मेंटेन करने वाला पर्सन या पर्सनैलिटी या प्रोफेशन है वो कौन सा है? नर्सिंग है। और वो पर्सन कौन है? नर्स कहलाता है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर हम कंबाइंड डेफिनेशन देखें तो कम्युनिटी के अंदर फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग मेंटेन करने वाले पर्सन को जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहा जाता है। और जो वो सर्विस देता है, जो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला जो पर्सन होगा या उसका जो प्रोफेशन होगा वो प्रोफेशन नर्सिंग होगा, और वो पर्सन क्या होगा? नर्स कहलाएगा। अब हमारे पास कुछ फर्दर टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो पहली टर्म के ऊपर मैं आता हूं, वेलनेस। तो वेलनेस क्या है? इट इज अ डेवलपमेंटल ऑफ अ पर्सनल लाइफ स्टाइल दैट प्रमोट फीलिंग्स ऑफ वेलबींग। यानी एक ऐसा लाइफ स्टाइल, एक ऐसा पैटर्न जो क्या करे?